अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। ओके, सो ये पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम वैलिड है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। ओके, सो पंजाब बोर्ड्स में शामिल हैं लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड और डीजी खान बोर्ड। ओके, सो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम जो है आज डिस्कस करेंगे हम। ओके, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड। ओके, सो 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में और हर एमसीक्यू का एक मार्क होगा। सो 21 द 20 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन से चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। ओके, सो ये चैप्टर्स हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4 एमसीक्यूज पेपर में इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 में से 4 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से भी 4 एमसीक्यूज को इंक्लूड किया जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज को इंक्लूड किया जाएगा पेपर में। ओके, और चैप्टर नंबर 7 में से 2। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स हैं एमसीक्यूज से के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में से 4, 4, 4 एमसीक्यूज जो है आपके पेपर में इंक्लूड किए जाएंगे। सो सेक्शन 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 होगा अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो आपने 8 को अटेम्प्ट करना होगा। सो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे और चैप्टर नंबर 2 से 9। सो चैप्टर नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जाएगा और चैप्टर नंबर 1 में से 3 को। सो 12 आपके पास टोटल होंगे जिसमें से आपने 8 को अटेम्प्ट करना होगा और 4 की चॉइस होगी। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो 8 टू द 16, सो 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 8 को ही अटेम्प्ट करना होगा। इसमें पेयर है 2 चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा और चैप्टर नंबर 5 में से 2। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा पेपर में। सो 8 को आपने अटेम्प्ट करना होगा, 12 दिए गए होंगे, 4 की चॉइस होगी। ओके, सो 8 टू द 16, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 9 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें जो चैप्टर्स को पेयर किया गया है वो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, 6 और 7। चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, चैप्टर नंबर 6 में से भी 4 क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 7 से 5 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ओके, सो ये ऑल अगर हम इनको काउंट करें 5, 4, 4, तो इनको प्लस करें तो ये 13 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो इसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो 9 टू द 18, 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के कंप्लीट हो जाते हैं और सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ओके, सो आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और आपने उसमें से 3 को अटेम्प्ट करना होगा और हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ओके, सो 10 थ्री द 30, तो 30 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो इसमें 2 चैप्टर्स का पेयर बनाया गया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, सो 10 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। इन तमाम एक्सरसाइज में से किसी एक एक्सरसाइज में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओके, ए पार्ट का और बी पार्ट में एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया गया है 4.1, 4.2, 4.3, मींस के इन तीनों एक्सरसाइजेस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। ओके, सो 5 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 10, सो हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। आपके पास चॉइस होगी कि आपने 3 को अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की जो पेयरिंग है वो है पार्ट ए की एक्सरसाइज 3.6, 3.7, 3.8 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 की पेयरिंग भी कंप्लीट हो गई है और क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ए पार्ट के लिए इंक्लूड किए गए एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2, 6.3। ओके, और बी पार्ट के लिए इंक्लूड किए गए हैं एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.5।
इन तीनों एक्सरसाइजेस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 4.4 और 4.5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. ओके, 5-5 मार्क्स का होगा. और सो क्वेश्चन नंबर 9 में इंक्लूड की गई है पार्ट ए में एक्सरसाइज नंबर 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9. ओके, सो इन तमाम एक्सरसाइजेस में से किसी एक में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 7 जो इसका बी पार्ट है इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स ये ऑल ही तमाम 10-10 मार्क्स के हैं. जैसे इसके भी टू पार्ट्स हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं. तो आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आपने कंप्लीट करना है. कोई भी क्वेश्चन करना है उसको कंप्लीट करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसके ए बी पार्ट दोनों करने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है तो ए बी पार्ट दोनों करने हैं. मीन्स के 5 हैं, 5, 6, 7, 8, 9. तो इनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करना है. आपके पास चॉइस है कि आपने 9 करना है, 8 करना है, 7 करना है, 6 करना है या 5 करना है. जो आपको अच्छे तरीके से आता हो वो आपने अटेम्प्ट करना है. ओके, तो 10 3 30, सो 30 मार्क्स के आपकी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. सो लास्ट में हम देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट. टोटल मार्क्स जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है. एमसीक्यू 20 आएंगे तो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 8 क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना होगा तो 8 to the 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना होगा तो 8 to the 16, सो ये भी 16 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा तो 9 to the 18, तो ये 18 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा. और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास 5 दिए गए होंगे और आपने 3 को अटेम्प्ट करना होगा और हर जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो 10 मार्क्स का होगा. सो 10 3 the 30, सो 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो इनकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऊपर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा चैप्टर के पेयर बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा चैप्टर का पेयर बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा चैप्टर का पेयर बनाया गया और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को की पेयरिंग की गई है. ओके, सो टोटल मार्क्स जो है वो 20 एमसीक्यूज के, 16 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के, 16 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 के और क्वेश्चन नंबर 4 के 18 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चंस के 30 मार्क्स. तो इनको टोटल किया जाए तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है. ओके, सो ये वेरी इजी है जब हमें पता चल जाए कि पेयरिंग स्कीम कैसे है, कि कौन सा चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाती है प्रिपरेशन करनी. ओके, सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी. सो सब्सक्राइब द अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स. ओके, सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. ओके, अल्लाह हाफिज़.